गोविंद गौधाम गौशाला हुशियारपुर की तरफ से संचालित नगर निगम गौशाला को मॉडर्न गौशाला बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है तथा जल्द ही यह गौशाला एक दर्शनीय स्थल के तौर पर विकसित होगी। इस मौके पर गौशाला के प्रधान कुलदीप सैनी, कोषाध्यक्ष हरीश शर्मा तथा विशेष रूप से पहुंचे नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा ने प्रबंधों का जायजा लिया। इस मौके पर कोषाध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि शहर निवासियों और दानी सज्जनों के सहयोग से गौशालाओं का प्रबंधन ठाकुर जी की कृपा से बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। साडी टीम हैगी आ जिहड़ी सारी आ सी सवेरे शाम आके इत्थे सर्वे करी दा, जो भी चीज़ किसी शॉर्टेज हुंदी आ उहनूं तुरंत मुहैया करन दी कोशिश करी दी आ तां कि गऊआं नूं किसी तरह कोई दिक्कत ना होवे। जिद्दां असीं जो गौशाला लई सी इहदी हालत बड़ी जीरण सीगी, मतलब जगह जगह गड्ढे सीगे, ना गऊआं नूं बैठण नूं चंगी व्यवस्था, ना सफाई व्यवस्था सी। असीं स्टाफ भी इस तरह मैनेज किया है भी वध तों वध इत्थे सफाई हो सके। उस तो बाद जो जो तुसीं आप उस तुसीं भी आप देखिया सी उदों आके इत्थे चार्ज लिया सीगा, तुसीं उहदे गवाह आ। तो वो तुसीं हुण भी तुसीं देखो असीं किन्ने सारे गड्ढे भरे आ, शैड भी असीं अपने मतलब संस्था लो पैसे खर्च के, असीं ये नहीं इंतजार किया भी सानूं गवर्नमेंट किस तरह कोई एड दे, असीं अपने संस्था लो ही पैसे खर्च के शैड तैयार किए, नवीं खुरलियां तैयार कीतियां, तो बाकी जिहड़े खड्डे सी सारे भर के उन्हां पक्का कराया तां कि गऊ माता नूं किस तरह कोई दिक्कत ना आवे। क्योंकि जदों भी माड़ी जी बरसात हुंदी सीगी इत्थे इन्ना क चिक्कड़ हो जाता गऊ माता मतलब गले गले तक धसण की नौबत आ जाती सी। जिहड़े वर्कर काम करते उन्हां नूं बड़ी दिक्कत आती सी, वर्कर इत्थे टिक के राजी है नहीं सी कोई भी, कहिंदे गऊशाला की जिहड़ी हालत इन्नी खस्ता हैगी आ इत्थे वर्कर टिक के नहीं। लेकिन हुण वर्कर जिन्ने असीं रखे बड़े खुश हो के काम करते आ, उन्हां दा बड़ा सहयोग आ, बाकी शहर वासियां दा बहुत सहयोग आ सानूं। कई लोग दानी सज्जन भी इत्थे आउंदे जिन्हां दा सहयोग सानूं प्राप्त हुंदा है। असीं लोगों नूं वध तों वध यही अपील करी दी है कि ज़्यादा तो ज़्यादा गऊ सेवा नाल जिहड़े परिवार जुड़न तां कि गऊ माता दी जिहड़ी हालत है सड़कां दे घूमदी आ, गलियां नालियां दे विच घूमदी आ, गंदगी खाण वास्ते मजबूर आ, उहदे वास्ते सुंदर चार चारे दी सुंदर घर दी व्यवस्था हो सके, इदां दा प्रयास साडी संस्था कर रही है। क्योंकि दो गऊशाला साडे अंदर चल रही हैं, एक निगम वाली गऊशाला, एक साडा गोविंद गोधाम गऊशाला आदमबार रोड ते। दोनों तुसीं किसे वेले भी आ के कोई भी सज्जण आ के विजिट कर सकदा, ना कोई सफाई दी हले कमी है, ना कोई चारे दी कमी आ, बहुत रिष्ट पुष्ट गऊआं हले हैगियां। क्योंकि ये गऊं सारियां सेवा वालियां ही आ, दुध वाली गऊं बहुत घट है, जिन्ना दुध हुंदा आ और स्टाफ इत्थे हैगा उहदा ही मड़ी उहनां नूं असीं प्रोवाइड करा दईदा तां कि उहनां दे जिहड़े परिवार इत्थे रहिंदे किस तरह कोई दिक्कत ना आवे। बाकी शहर वासियों नूं बार बार यही अपील करदे हां कि ज्यादा ज्यादा सहयोग करन तां कि गऊशाला अगे तों अगे होर वध के सुचारू रूप ना होवे। गवर्नमेंट वल्लों जिहड़ी एड सानूं आउंदी आ उहदा भी असीं भरपूर प्रचोग करीदा, क्योंकि उहदा चारा ही इन्ना महंगा अजकल हो रहा। तुहानूं पुछिआ पिछे लॉकडाउन 'च भी काफ़ी इस गल की दिक्कत आई कि जिहड़ी 400 रुपए तूड़ी सी असीं 900 रुपए लै के क्वंटल भी तूड़ी पाई आ, फिर भी साढ़े बंके बिहारी ने साडी किस तरह पिट्ठ नहीं लगन दित्ती, दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की असीं कीती आ तां कि गऊशाला बहुत वधिया बण सके। दस चैनल न्यूज़ के लिए हरपाल लाडा के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।